फोटो इधर इधर। जी मैम बताइए। अग्रवाल, बाबा साहब की जयंती पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बाबा साहब ने समाज और समाज के लिए, महिलाओं के लिए इतने बेहतरीन कार्य किए हैं, इसलिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति आज बाबा साहब के जन्मदिन को मना रहा है, बाबा साहब को याद कर रहा है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, क्योंकि शेरों का कभी बलिदान नहीं होता, शेरों का कभी बलिदान नहीं होता, केवल बकरे बलिवेदी पर चढ़ाए जाते हैं। शेरों का न बलिदान होते सुना, बकरे बलिवेदी पर चढ़ाए गए, टेढ़े पेड़ न काटे गए, सीधों पर आरे चलाए गए, कभी टेढ़े पेड़ न काटे गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विश्वहीन सदा तड़पाए गए, विश्ववान को दूध पिलाया गया, विश्वहीन सदा तड़पाए गए। इसलिए अब मजबूती की जरूरत है, समाज को एकता और अखंडता में बांधने के लिए बाबा साहब ने एक मिशन दिया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज शायद युवा समझ रहे हैं इस चीज को, कल गया है उस समय की भरपाई। अब वर्तमान में हम आगे बढ़कर शिक्षित होकर समाज को आगे बढ़ाकर, क्योंकि समाज की शिक्षा निर्भर करती है महिलाओं की उन्नति पर। बाबा साहब ने कहा कि समाज, मैं उस समाज की उन्नति से देखता हूँ कि महिलाएं उस देश की, उस समाज की कितनी शिक्षित और समृद्ध हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सबसे पहले बाबा साहब को नमन करती हूँ, बोलती हूँ कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है, इसलिए हम सब नारी शक्ति और सभी हम जेंट्स भाई सब इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर ये जयंती मनाई गई है। इसलिए इस उपलक्ष्य में हमने क्या किया है, ये रैली निकाली है और वहाँ से गांधी चौक से लेकर अपन यहाँ तक बाबा साहब के यहाँ तक पहुँचे हैं। और बाबा साहब ने एक ही मंत्र कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, यानी अपने समाज को अगर शिक्षित करना है, ऊपर उठाना है तो हमें संगठित करना ही होगा। एकजुटता के साथ अपन क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष को करते करते अपन क्या करेंगे, अपनी जो आवश्यकताओं की जो भी चीजें अपन क्या करेंगे उसको मतलब अपने अंडर में लेंगे। और हम क्या है कि आज लेडीज को हर अधिकार है, क्योंकि हम पुरुषों के साथ क्या करते हैं, कंधे से कंधे लगाकर चल सकते हैं। ये हमें कहाँ से मिला, बाबा साहब के संविधान से मिला। थैंक यू। जी जी धन्यवाद। बाबा साहब की 131वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से हमने विशाल इस जुलूस के साथ पूरे झुंझुनू में रैली को मनाया है और इसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने, बच्चों ने, महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बाबा साहब का जो संदेश है, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, उसी पे आज ये रैली निकली है। सभी युवा साथियों ने जय भीम के नारों से पूरे झुंझुनू को गुंजा दिया है। आज की रैली झुंझुनू में ऐतिहासिक रैली साबित हुई है। आज का जो जनसैलाब देखा, इसे लगा कि युवा, महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब भीमराव जी अम्बेडकर के बारे में जागृत हो चुके हैं। अब युवाओं पे, महिलाओं पे अत्याचार हो जो हो रहे थे बार बार, वो अब लगाम लगेगा। सभी कम्युनिटी के लोग वो एक साथ आके सड़क पे हैं और ये जो जुलूस निकला, इससे आक्रोश भी व्यक्त हुआ है कि बार बार जो अत्याचार झेल रहे हैं हम, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि आगे भी किसी भी प्रकार का अत्याचार किया तो हम सड़कों पे, धरनों पे, और अब इससे काम नहीं चलेगा, जेलें भरने का काम करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर बाबा साहब के 131वें जन्म उत्सव पर आज यहाँ झुंझुनू में एक विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं सभी एक मंच पे आकर आज वाकई में ही एक एकता का परिचय दिया है। सभी मैं इन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो एकता है ये बरकरार रखे, समाज में जो भी कुरीति है उनका विरोध कर, जो पाखंड है उनसे दूर रहे, क्योंकि बाबा साहब इन चीजों से हमेशा दूरी बनाने के लिए समाज को जागरूक करते रहे। उन्होंने अपना जीवन यापन, जो पूरा जीवन है, इस जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पूरे विश्व के जो अपने पूरे भारत में जो लोग हैं उनके लिए संविधान एक बनाया गया, उसमें हर एक
जाति वर्ग को समान अधिकार दिया गया, तो उसी में आज बाबा साहब की ये जयंती हम बड़ी धूमधाम से यहाँ झुंझुनू जिला मुख्यालय पे मना। और ये रैली का मुख्य यही था कि सभी दलित वर्ग जितने भी हैं संगठन हैं वो एक होकर के और ये महारैली का आयोजन किया गया, ताकि सारे जो दलित संगठन है वो एक हो और एक मंच पे आए, एक मंच पे काम करे और जो मनुवादी है उनसे एक मंच में होकर के लड़े, बाबा साहब के जो संविधान है उसको एक मंच पे रखें और एक मंच पे जो भी है हमारे समाज की जो कुरीतियां है उनको मिटाने के लिए, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा निर्णय है कि हमारा सभी दलित समाज एक होकर के आगे भी बाबा साहब की रैलियां निकलेगी, आगे बाबा साहब की जयंती मनेगी, बाबा साहब के इतिहास में हम लोग चलेंगे, हमारे बच्चों को समझाएंगे कि हम बाबा साहब के इतिहास में चले, यही हमारा मुख्य है। मेरा नाम लक्ष्मण जैदिया है, मैं दलित समाज से हूँ, पूर्व पार्षद हूँ। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को हम धूमधाम से मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। हमने समाज को जो मैसेज देना था वो उद्देश्य ये था कि हम सब एक हैं, हिंदुस्तान एक है, सबके लिए बाबा साहब ने कुछ किया है, सबके लिए, हमारे लिए तो स्पेशल खासतौर से दलित समाज के लिए तो बहुत कुछ किया है, इसलिए आज हम उनका जन्म स्थान बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मैं शंभू नेहरा, पूर्व पार्षद सुभाष डिग्रवाल, सभी को आज के बाबा साहब के 131वें जन्मदिन पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज वाकई में झुंझुनू शहर ने यह दिखाया है कि दलित वर्ग है वो एक मंच पे आया है, और आगे भी हम जब भी कोई प्रोग्राम करेंगे तो दलित समाज एक मंच पे आकर प्रोग्राम करेंगे, और बाबा साहब की जो शिक्षा है उनको हम ग्रहण करेंगे, उन्होंने जो कुरीतियों से हमें दूर करने के लिए कहा है उनको अपने जीवन में अपनाएंगे, और महिलाओं की जिस प्रकार से भागीदारी रही है इस प्रोग्राम में वो काबिले तारीफ है, और महिलाओं के द्वारा ही कोई कार्यक्रम होता है वो एक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तो महिला जितनी भी आई हुई है मैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि उन्होंने अपना काम 5 घंटे छोड़कर और नाना 3 दिन से लगातार वो महिलाएं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लग रही थी। मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और जितने भी आयोजकर्ता है और जितने मेरे साथी है उन्होंने तन मन धन से 4 दिन एक होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और भविष्य में भी हम आप सभी से ही उम्मीद करेंगे कि आप अपना सभी सहयोग दें। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व है बाबा साहब का जन्मदिन, 131वां जन्मदिन मना रहा है, आपको पता है पूरा विश्व है आज ज्ञान दिवस के रूप में और समरसता दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाबा साहब ने उस समय जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो आम जन की पीड़ा समझी, और जो गांव ढाणी के अंतिम छोर में बैठे हुए लोग थे, चाहे वो पिछड़ी जातियों के थे चाहे अगड़ी जातियों के थे, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी, आपको पता है महिलाओं को अधिकार दिलाने में बाबा साहब की अहम भूमिका रही है। तो मेरा यही कहना है बाबा साहब केवल किसी जाति विशेष के या अपने देश तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व के एक धनी व्यक्तित्व थे जिन्होंने ऐसा मतलब इंसानियत के नाते लोगों की पीड़ा समझते हुए जो संविधान का निर्माण किया उसमें ऐसे अधिकार दिए जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी आज बराबरी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से मेरे युवा साथी सारे सुन रहे हैं, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि केवल इन रैली, इन नारेबाजी, इन भाषणबाजी से नहीं हो सकती। बाबा साहब के जो भी आदर्श थे, जो विचार थे पिछड़ी जातियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, कि वो आगे आए और आत्मसात करें और उस शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं और सामाजिक कुरीतियों से दूर हों, अगर इनको हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा देंगे तो ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी बताइए, आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के अवसर पर इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम सब पधारे, अन्य लोग भी आए, हमने उनको भीमराव साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और ये प्रण लिया कि उनकी शिक्षा उनको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हम संविधान के प्रति निष्ठावान रहें और देश को जो संविधान उस समय के संविधान सभा अम्बेडकर साहब ने दिया उसकी बदौलत आज ये है कि हमारा संविधान जो हमारा लोकतंत्र है वो परिपक्व अवस्था में पहुंच रहा है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो हमारे लोकतंत्र पर प्रहार कर सके। सर, एक सर करौली हादसे को लेकर झुंझुनू सांसद कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, इसमें क्या कहिए?
वो कानून अपना काम कर रहा है, वो क्या कह रहे हैं उसके लिए तो मैं क्या करूं। सर, एक आपने संबोधन में कहा कि 10 साल पहले अंबेडकर को लोग गलत बयान नहीं, कुछ लोग नहीं, मेरा किसी पार्टी सर जी आपके गृह जिले में पेट्रोल डीजल है वो क्या नाम पेट्रोल पंप तय नहीं हो पा रहा है, बार बार आदेश जारी हो रहे हैं। बस डिपो में जो रोड में डिपो है उसका पेट्रोल पंप तय होता है, चेंज हो रहा है, कभी पेट्रोल से कभी उस पेट्रोल तेल लिया जा रहा है। इसको मैं दिखा लूंगा, मेरे बाप ने अभी बताया। सर महंगाई को लेकर महंगाई आसमान छू रही है, आप भी उससे त्रस्त होंगे। आप देख लें, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि वो जो तेल है और डॉलर है वो मनमोहन सिंह जी की उम्र को पार कर गया। अब तेल है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की उम्र से दुगनी कीमत पर।